तो देखिए कांवड़ यात्रा को लेकर भक्तों में काफी उत्साह है। कांवड़ यात्रा में एक तरफ पीएम मोदी और सीएम योगी के प्रति शिव भक्तों की दीवानगी देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ भोले के भक्त अपने हैरत अंगेज कारनामों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इस कांवड़िए ने तो कांवड़ को खींचने के लिए अपनी पीठ में ही लोहे के कुंडे गड़वा दिए, जिसके सहारे वो करीब 1.5 क्विंटल वजनी इस कांवड़ को खींचकर अपनी मंजिल की ओर ले जा रहा है। इस शख्स का नाम है जोगिंदर, जो पेशे से एक प्लम्बर है। जोगिंदर हरिद्वार से हरियाणा के कैथल के लिए कांवड़ लेकर जा रहे हैं। और खबर श्रीलंका से। श्रीलंका में नई सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर सख्ती शुरू कर दी है। रानिल विक्रमसिंघे के कुर्सी संभालते ही श्रीलंका में क्रैकडाउन शुरू हो गया है। बीती रात श्रीलंका की सेना और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। कल ही रानिल विक्रमसिंघे ने राष्ट्रपति की कुर्सी संभाली, उसके बाद सेना ने प्रदर्शनकारियों के कब्जे से राष्ट्रपति सचिवालय समेत सरकारी दफ्तरों को खाली कराने का काम शुरू कर दिया। साथ ही पूरे इलाके को किले में तब्दील कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों के कब्जे से जो महत्वपूर्ण इमारतें थी वो तो पहले ही खाली हो चुकी थी, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण इमारत थी नए राष्ट्रपति का या राष्ट्रपति का जो सचिवालय, उसको भी छुड़ा लिया गया है। उसके आसपास के इलाके को खाली करवा दिया गया है। ये सारी तैयारी कैबिनेट विस्तार से पहले की गई। दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के नए पीएम बने हैं। सीबीएसई ने आज 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं। चेहरे पर खुशी और विक्ट्री साइन से जीत का इजहार। सीबीएसई ने आज 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। हर साल की तरह इस बार भी सीबीएसई के नतीजे में लड़कियों ने बाजी मारी। 95% लड़कियां पास हुई हैं, जबकि लड़कों के पास होने का आंकड़ा 51% रहा। टॉप करने के मामले में भी लड़कियां लड़कों पर भारी पड़ी। बुलंदशहर की रहने वाली तान्या सिंह सीबीएसई की टॉपर बनी। उन्होंने 500 में से 500 अंक हासिल किए हैं। मैं यूपीएससी क्लियर करना चाहती हूँ। मेरा बचपन से ड्रीम है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। पीएम मोदी ने भी सीबीएसई बोर्ड के छात्रों को बधाई दी और ट्वीट कर लिखा, सीबीएसई 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले मेरे सभी युवा मित्रों को बधाई। इन युवाओं का धैर्य और समर्पण काबिले तारीफ है। उन्होंने इन परीक्षाओं की तैयारी ऐसे समय में की जब मानवता को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा और उन्होंने ये सफलता हासिल की। इस बार करीब 14.5 लाख छात्रों ने 12वीं की परीक्षा दी थी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।